एगो महिला गृहिणी के रूप में घर में रहेला, एकर मतलब ई नहीं बाते कि उ खाली घर में रह करके उ काम करी, बकिर उ समाज के हित के लिए भी सकी काम करे, उ एक महिला ठेकेदार भी सकी बने। सब कोई के नमस्ते, हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। ई बखत हमनी मोसेल मो सन सुसी मोंटाई ब्लांश में है सा, और आज एगो ऐसन हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा जेकर नाम है कृष्टि आराधना, और उ एगो गृहिणी के होइला पर भी एगो महिला ठेकेदार हवन, मीन्स अंगोसमोदो उ एगो हुनरबाज बाते। उ चादर कला एकर संगे संगे गीत गवाया के प्रति ओकर रुझान जस्ती बाती, ते चला जा आज ओकर संगे बतियाब सा और साथ ही साथ ओकर काम देखब सा। चला सबसे पहले नमस्ते कृष्टि जी। नमस्ते अभी। सबसे पहले हमने की बतावा कि कृष्टि आराधन की है। कृष्टि आराधन मोंटाई ब्लांश में रहेला, मुसलमान सांस सुसी ओकर दुगो लड़का बा, ओकर पति उ घरे रखे काम करेला और गीत गवाई वो करेला, गीत गवाई हरदी परछावन और उ हैंडीक्राफ्ट में वन अपन सब चीज घरे रखे काम करेलन है। ये माने कि हैजा ई बात की पुष्टि होवे था कि हमनी के जो मुख्य मेहमान बते उ एगो महिला ठेकेदार हवन जेकरा हमनी एंटरप्रेन्योर बोलीला सा, काहे कि उ घरे रह करके उ अपन काम करेला। त अब हमनी देखब सा कि कौन प्रकार के काम करेला। Thank you.
कृष्टि हमने की बतावा कि कब से आप चदर के काम जो पेंटिंग बाते क्लॉथ और जकरा हमने बोली रसा कब से शुरू कर ली हवा है कमवा हो गल बा 5 बरिस हो गल जब से ई काम करीला सिलमा पहले उतना ने करत रनी अपने खातिन अपन पाशों खातिन हम करत रनी घर खातिन सजावट के सब चीज बनावत रनी अपन सास के अपन माँ के करके देवत रनी तब आले आलिक माजे कमवा लगल दुगो कोमान मिले दुगो से 3 गो होल तब आले आले जस्ती और हम लगनी फेसबुक पर डाले अच्छा जब लगनी फेसबुक पर डाले तब कोमान लगल मिले तब 2-3 गो हम बोलनी काहे नहीं घरे रखे लगब करके बेचे हमरे को चिकास हो जाए तब लगनी बेचे तब टिकटॉक पर लगनी डाले जैसे जाने ला आज कोई ढेर आदमी लोग टिकटॉक से भी करे लन सर तब लगनी टिकटॉक पर डाले तब ढेर कोमान लगल मिले ढेर वे कोमान मिलेला काम करेला पति के सहायता लेकर लोग के थोड़ा बहुत चीज लगने एदे करे तो है ये ऐसे तो है जा जैसे कि देखा था वजह जब एगो महिला घरे रहेला जेकरा हमने बोली ला सब हाउसवाइफ हिंदी में बोली ला से गृहिणी तो गृहिणी के होला पर भी उ सकी अपन एगो कारोबार शुरू करे गृहिणी के होला पर भी वो अपन एगो अपन भीतर के जो जुनून बाते जो पैशन बाते वो सकी ओकरा पूरा करके अपन अपन पति के हाथे पाते निमन से अपन मदद सकियन जा करे आर्थिक रूप में जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह अभी के संगे और हमनी के जो मुख्य मेहमान बते ओकर नाम है कृष्टि आराधन जैसे कि जाने लजा कि जब शादी होवेला खासकर हिंदू समुदाय के बगल से जब शादी होवेला तब एगो ऐसन बखत आवेला दिमाग के जब शादी के विधि होवे था जहाँ पर ही जो दुल्हा बते वो दुल्हन के मांग पर सिंदूर डालेला तो ऐसन बखत में ओकरा तोपे के चाहिए तो कौन सी के संगे तोपे के चाहिए एगो चदर से हाई चदर के तोपे के जो जो पाछे बात है वो बहुत ही सुंदर रहेला ऐसा वही काम हमनी के जो मुख्य मेहमान बाते वो करेला वो कौन सी करेला चला अब जानब सा देखब सा तो हमने के ये बतावा कृष्टि कि कौन प्रकार की लुगा इस्तेमाल करेला और इमें कौन प्रकार के रंग डालेला हम जस्ती साते में काम करेला बस कि आदमी लोग मैं साते वहाँ देखे में ज्वेली बा तब कम वो कर बा ओकर पे हाँ ओकर में कम वो कर बा ला पैंचे दल बा तब औरी जस्ती ज्वेली हो जाला ए है करीला पफा कोमान मिले ला तब ये कैसे बोला हाँ ये रॉक माजे आदमी लोग बोले लंसा कोटों पर करेंगे बस कि उलोग डेरा लंसा पंगो धोयन सा तब निकल जाए तो उन लोग के एक्सप्लिके करी ला हम बोली ला कि ना ला पहचावा नहीं निकली बस कि निमन से काम कर ले हैं तब कॉन्फिडेंस करे लंसा तब देवे लंसा तब है ये कोटों पर लातवार कोटों पर काम करी ला और ये लातवार साथे में अब हमने के ये बतावे एक चदर में है सब आउट करे कि कितना समय लगेगा नॉर्मल काम करब जैसे एक महिला जाला काम करे 9 बजे ले 4 बजे ले ऐसे काम करेला हम तब काम करब तो हम 2 दिन में एगो चदर बना देला 2 दिन में एगो चदर कंप्लीटे नेट हो जाला हम काम करब तब नहीं तो ऐसे पारिस करेला कोफा पारिस पे लगेला हाँ, मतलब आप अपन कारोबार के मालिक हो मालकिन हो हाँ। तो पारिस करे के चाहिए तनिसन मतलब आप अपन सुविधा के अनुसार देख बना हाँ। तब कोफा हो जाला एगो 3-4 दिन नहीं ढेर कोमान मिलेला तो जैसे अभी बा ढेर कोमान बा जैसे जाना था शादी ढेर बा तब कोमानवा मिला था तब रोज के काम करत है अभी रोज के 1 दिन में पफा एगो चदर पोंप लेते करती ला 1 दिन में बस की आदमी लोग शादी एक समय शादी तब कोमान देवे लंस तो हम ब्लोके हो जाए ला काम से तब मनवो नहीं सके ला करे बस ये लोग बोले लंस चाची तोर पे कॉन्फिडेंस करके तोरा कोमान देवत है सर तो हम तोर काम देखिला सर ज्वेली बात हमरे कोमान देवी लंस
तो ऐसे हम मना नहीं करी ला तब को मनवा ले लेला तो पाफेन हम कट में एक दिन में मोती कर दिला बस ये आले आले प्राचिको से कमवा जान गई नहीं कौन कुलिया कैसे करे के कमवा कैसे चाहला हई कुलिया हई देश है तब हाली हाली हो जाना मर काम ऐसे हमने की बतावा कृष्टि की जब आप एगो शादी में गल हुआ और हौजा जब गल हुआ आप अपन अपन खुद के चदर जिन चदर पति जिन आप अपन काम मतलब जिन कर ली हुआ हौजा देखा तो तब भीतरे में कौन तरह के मतलब भावना मिलेला खुशी वेला जब आदमी लोग पूछेला तू ही बनैला चदरवा तब हम बोलीला हाँ तब बोलेलन सा बहुत ज्वेली बा तुर काम सफा बा ज्वेली बा खूब खुशी होलन सा तो हमू तनु से फ्लाते हो जाइला बोलीला हाँ तब बोलेलन सा हमर बेटा के शादी में इस पर नाती के शादी में तोरे को मान दे तो ऐसे ऐसे करते करते कमवा मिलेला जैसे देखत हो एगो गृह प्रवेश चादर है गृह प्रवेश चादर कौन सी है जब दुल्हा दुल्हन शादी करके आवेलन सा तो दुआरी पर ठहरावेलन सा तो हई दुआरी पर रखल जाला महावर रख के एकर पर तब दुल्हन अपन छाप छोड़ेला हई पर तो गृह प्रवेश चादर उही है
कृष्टि आराधन हमनी के हुनरबाज बाते और उस चादर में जिन रचनात्मक कार्य करेला वो अपन आप में बहुत ही सुंदर और अनुपम बाते। कृष्णि अब हमनी के बतावा कि कबो कबो ऐसे मतलब समय आवेला जहाँ पर ही ढेर कमान मिल जाला या फिर ढेर काम बाते करे के, तो कैसे आप अपन टाइम अपन समय के मैनेज करेला? तो हम हमर पति जाला 6 बजे काम करे फजीर के। हाँ फजीर के, तो हम उठ के 5 बजे ओकरा पारी कर देला ओकर खाई हुई के तब उ चल जाला। तो लड़का लोग जालन से लेकुल लोग के उठा के लेकुल विदा करके तो 2 घंटा में हम अपन काम रमासिला, घर के काम जैसे बर्तन मंजे के लुगा धोए के 2 घंटा में जैसे हमर काम फिनी हो जाला तो हम बैठ के काम करेला, बैठ के अपन ला पहचिए बस की ढेर कोमान मिलेला। तो परेला जैसे बहरा में जाप करे एगो लीजिन में एगो लेयर रहेला तो करे वो ऐसे पागे एगो डिसिप्लिन से। हाँ अपन टाइम मैनेज करीला जैसे खाए के, जैसे 12 बजे आदमी लोग जालन सब खाए के तब पागे घरे खाओ के बर्तन मंज के तब फेनो से बैठीला काम करे के, तब कर उड़ के तब लड़का लोग लेकुल से आवेलन सब तो उन लोग के चा पानी दे के तब खाए के पकाओ, खाए के पका के खाओ के बर्तन उतन मंज के तब फिर से काम करीला, फिर से काम करीला। सिलमा हमर बूढ़ा एदी करीला हमरा जैसे काम करके आवेला 6 बजे से 6 बज के आधा तो लकुजिन में रह पकाव तो आवेला हमरा लामे दे लकुजिन में। हाँ आवेलन लामे देवे सिपा कुछ काटे उठे के सिपा खाइबो पकाए के जाने लन सब खाए पकाए हमर लागे बूढ़ा जाने ला खाए के पका तो एदी करीला हमरा तो है ये ऐसे रोज के नहीं ऐसे ऐसे होवेला जहाँ पर ही मतलब ढेर कोमान मिल गल बाते और ऐसा बेरा में मतलब कुछ नहीं बातें पकाए के या फिर समय नहीं मिलेला पकावे के ऐसे होवेला? नहीं हमर संगे कबू नहीं होल बा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न माने कि मल्टीटास्किंग ई हमनी के मुख्य मेहमान, ई हमनी के हुनरबाज के एगो स्किल हा जहाँ पर ही वो 2-3 काम एक समय में करेला। तो कृष्णि हमनी के ये बतावा कि चदर कला के अलावा आप गीत गवाई भी करेला, तो गीत गवाई कब शुरू होल बाते एकर बारे में तनिसन हमनी के बतावा था? गीत गवाई हो गल बा 8 बरिस जब से जाएला, हमर सास जात रहल वो छोटा से गीत गवाई में जात रहल, तो हमर शादी 18 बरिस हो गल बा। तो पहले लड़का लोग छोटा रहन सा तो हम नहीं सिकत रही जाए, तब आले आले लड़का लोग तन से बड़ा हो लन सा तो हमू बोली घरे रखे जय रौस लगे लगल, तो हम बोली पाफे न सोची होइला तन से जाप गीत गवाए में, तो बूढ़ा के बोलनी तो बोलक त जो तो लगनी हमार सास संगे जाए गीत गवाए, तो हो गल बा 8 बरिस जब से जाएला गीत गवाई करीला, तिलक करीला, परछावन सब जी जोन जाने ला शादी में जोन जोन विधि के गीत गाय के तो सब सीख ले हैं। अच्छा अब हमने के बतावा कि अलग अलग विधि बातें जैसे कि माटी कोराई के बातें, कभी कभी वो लोग काली माई भी जालन सर या फिर वो लोग जब परछावन होवेला तो सब कहाँ सीख ले कैसे सीख ले है सब? तो हमारे साथ सिखेलक। अच्छा आपके साथ सब जाने ला? वो सब जाने ला, वो सिखेले बा हमूक मजा है, ढेर नहीं जाने ला, ढेर नहीं अभिलेख सीखते हैं सब, बस कि सिखल कबो फिनी नहीं होला, नहीं अभिलेख सीखते हैं, गीत गवाए के जोन गीत बा वो सीखले हैं, परछावन के शादी के सब थोड़ा बहुत अभिलेख सीखते हैं, बस कि वो जितना गीत बाटे वो सीखते सीखते का हम बुढ़िया हो जाब ढेर बात सीखे के। हाँ ढेर बात सीखे के सीखते हैं, दादी लोग से पूछिला जो चाची लोग हुआ सा वो सब सिखावे ला सा हमके। तो सीख लेने के बाद तब आप है सब शादी उदी में जाला? हाँ आज है एगो तिलक में जाए के रली, एगो तिलक और सांझ के हरदी रहल, जब तू बोला अइबा तो हम कैंसिल कर देली। अच्छा कैंसिल नहीं कर ली, अपन सास के विदा कर देली। अच्छा हम बोलनी हमारे सास के एक माँ एगो चाची के लेके जाके करे के तो हम घरे रह तुर खाते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा तो वजह कि हमनी के जो हुनरबाज बाते वो न खाली चदर कला करेला बकेर ऊ जो माटी को राय
परछावन हल्दी हाई सब जो विधि बातें एगो शादी में जे हिंदू समुदाय के बगल से करेलन सा त उ सब सीख के उ निमटे से वो अपन प्रस्तुति करता त अब हमनी सुनब जा कृष्टि एगो एगो मतलब दो तीन मुखरा हमनी के जिन मेहमान हमनी के जिन लोजांस बातें हमनी के जिन दर्शकगण बातें सक बजा दिवे हाँ कहीं नहीं दादा दुअरिया में चंदन बरसे दादा दुअरिया में चंदन बरसे मोर पिया दिया ले ले थारे अंगना मोर पिया दिया ले ले थारे अंगना हो पिया थारे अंगना हो पिया थारे अंगना मोर पिया दिया ले ले थारे अंगना। जब भी एगो व्यक्ति सफल होवेला उन्नति के मार्ग में जाला तो उकर पाछे एगो प्रेरणा सोत्र माने कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेला तो कृष्टि आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के है अमर बरका बहन उकर नाम दिया वो कूले रे रहल ना पेंचे में तो वो बोलक हमरा हम घर जैसे जाने ला घरे रहली तो वो बोलक घरे रखे का करी ले ना पेंचे सीखिए तो हमरा सिखैलक एगो देसा करे के तो हम उसे ही करनी अपन पैसो अपन ला पैचे सब किन के तो एगो फूल बनैली जब बनैली तो हमरा नहीं अच्छा बुझाल तो हम देखो काजे नहीं होई नि सिनमा हम फिर से कोशिश कर ली जब कोशिश कर ली तब देखली एगो फूल बनल तो ऐसे करते करते दूगो फूल तीन गो फूल से कर ली ओकर पत्ता उत्ता डाल के तो ज्वेली बनल तो एकदम फुलवारी आगल बाते ज्वेली बनल तो फूल से लगनी देसे दिखे अच्छा देसे लगनी दिखे तो हमर पहला देसे रहल एगो टॉम एंड जेरी एगो कार्टून के बनेले रहनी तो उ देख के जैसे फोटो में देख ली तो उसने देसे करके पागे हमर बूढ़ा दिसने कर ले रहल उ पसकी औत में कू ले रहलन कॉलेज में तो उ जानेलन बनावे तो उ बना के हमरा दिलक तो से ये करनी तो उ जोली बन गया रहल जब बिल्कुल सच्चे अर्थ में हमनी के हुनरबाज कई गो काम करेला एक बखत में अब हमनी के ई बतावा कि चादर कला गीत गवाय है सब के अलावा कौन प्रकार के आर मतलब कला या फिर हुनर बाती कौन सी करेला हम देखो आचिव करेला जैसे जानेला शादी में व्याकूप बुते शौपाई पहला तो हवो डेकोरे करके अच्छा हवो बेचिला सिखले नहीं है कहूँ से देख देख के हमार दिमाग अच्छा बा जन चीज देखिला धर लेला जानिला तो हवो कोमान मिलेला हवो करके बेचिला संगे तब जब कोमान मिलेला आदमी लोग सुने करेला अंसा तो पूछेला अंसा जानिला कोई बुते शौपाई डेकोरे करेला तो हम बोलीला हम ही करेला तो जन फोटो रहेला पोता में बोलीला उन लोग के मॉडल विदा करे के जब मॉडल विदा करेला अंसा तब पागे उसने करके बेच देला अब कृष्णि जी जितना जन दर्शकगण ई कार्यक्रम देखत हवन जा उन लोग के कौन संदेश दीबा हम ई बोले के चाहे जैसे जानेला आजकल महिला लोग घरे रहलन स ढेर महिला लोग तो घरे रह के बहुत चीज सीखब करे जैसे घरे रह के नहीं बैठ बिना काम के चाहेला कुछो ना कुछो करे के जैसे हम लापेचा करीला तू लोग सीखब स बोदे करे कुछो ना कुछो करके बेचे तब अपन हस्बैंड के सीखब हेल्प करे जैसे आज जनब लाभी डिफिसिल हो गल बा सब कोई के मिल बांट के चाहेला अपन घर चलाए के तो ऐसे करके महिला लोग चाहेला आवांसे होए के जैसे जनबा हम घरे रह के ढेर चीज करीला हमर घर एगो जैसे बोलब एगो लाबोगातुआ नियर बा हम ढेर चीज करीला ढेर चीज जीवन में कर ले हैं अभी ले करते हैं तो ऐसे सब महिला लोग के करे के चाहिए तो
जैसे कि देखा था वजह है जिन काम बातें वो बन के तैयार हो गल बातें, कहे कि हमने के जिन मुख्य मेहमान कृष्टि आराधन के बगल से है काम करल गल बातें, तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्टि कि आज हमने के आप मौका दिले हुआ आपके काम दिखावे के तनिसन आपके संगी बतियावे के, और हमने बहुत कुछ सीख ली सा, और आपके जो समय बातें वो बहुत ही लिमिटेड बातें का है कि वो आप ढेर काम करेला मल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हवा बकेर ऐसन बेरा में तनिसन समय निकाल करके आप हमने के संगी जुड़गल हवा, बहुत बहुत धन्यवाद। ता दर्शकगण एकरेवे संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम में फिनी होवता बकेर आवत बीफे के हमने फिनो से एगो नवा हुनरबाज लेके आवब सा, तबले अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।